बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट होता है, क्योंकि इससे आगे की क्लास आधी स्लाइड जो है स्लाइड प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, तो उसी की कंटिन्यूशन में हम उसी पीपीटी प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कलिकाओं के रूपांतरण को हमने डिस्क्राइब किया था। सेकेंड जो इसका हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रमाण है हमारे पास में वो है पुष्पाशन की अक्षीय प्रवृत्ति प्रकृति, जो एक्सिस नेचर जो होता है ऑफ थैलेमस, थैलेमस का किस प्रकार से नेचर पाया जाता है। तो पुष्पाशन अथवा पात्र को संघनित एवं छोटे केंद्रीय अक्ष के समकक्ष माना जा सकता है। हम क्या कह रहे हैं कि थैलेमस को एक छोटा अक्ष माना जा सकता है, एक सेंट्रल जो होता है एक्सिस माना जा सकता है, जिसमें पर्व यानी इंटरनोड की जो वृद्धि है वो रुक गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो थैलेमस होता है फ्लावर का वो कुछ नहीं है, एक मॉडिफाइड एक्सिस ही होता है, शूट एक्सिस ही होती है, जो कि किसके मॉडिफिकेशन से इंटरनोड का जो पोर्शन होता है, इंटरनोड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए जो इंटरनोड पोर्शन जो है उसकी वृद्धि जब जो होती है रुक जाती है तो वह थैलेमस में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक सेकेंड जो है वो दिया गया है। और ये जो पुष्पाशन की अक्षीय प्रवृत्ति होती है यानी जो एक्साइल एक्सिस जो नेचर होता है थैलेमस का, उसको स्पष्ट करने के लिए भी बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सुदीर्घित पर्व की अगर हम बात करें, जिन्हें आप लॉन्गर इंटरनोड्स कहते हैं, प्राय पुष्प का जो पुष्पक्रम होता है वो संघनित अक्ष के रूप में होता है, परंतु कुछ पादपों में पुष्प में नोड्स और इंटरनोड जो होती है ना बच्चों वो विभेदित नहीं हो पाती, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इनके नोड्स और इंटरनोड्स में। लाइक कैपेलिस इसका एग्जाम्पल है, पैसिफ्लोरा भी इसी का एग्जाम्पल है, गाइनेंड्रोपिस भी इसका, क्लियोम गाइनेंड्रा जिसे आप कहते हो, ये इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल ही है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं, और दलपुंज और पुमंग के बीच सुदीर्घित पर्व को हम एंड्रोफोर नाम दे देते हैं, और पुमंग व जायांग के बीच में जो क्या कह रहे हैं हम लॉन्गर इंटरनोड्स होते हैं, ये जो दलपुंज यानी कैलिक्स और जो एंड्रोशियम होते हैं उसके बीच में अगर लॉन्गर इंटरनोड्स होते हैं उनको तो हम एंड्रोफोर कह देते हैं, और अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में जो लॉन्गर इंटरनोड्स होते हैं उनको हम गाइनोफोर नाम दे देते हैं। सेकंड जो होता है वो शूट डेवलपमेंट होता है, जो सामान्यतः पुष्प अक्ष की वृद्धि पुष्पीय पुष्पी जो अवयव होते हैं यानी अंडकों के निर्माण के पश्चात रुक जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो शूट की जो एक्सिस होती है, फ्लावर की एक्सिस जो होती है वो रुक जाती है, जनरली अगर हम बात करें तो, जैसे ही ओवरी या का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फूल होता है पुष्प होता है उसके निर्माण के पश्चात भी उनकी जो मेन एक्सिस होती है बच्चों वो ग्रो करती रहती हैं, बढ़ती रहती है ऊपर की तरफ और कायिक प्ररोह के रूप में हो जाती है, और यह स्तंभ या प्ररोह में वर्धी स्तंभ के समान ही पर्ण विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आपको डायग्राम में हमने दिखा रखा है बच्चों, रोजा की स्पीसीज यानी कि जो रोजा गुलाब का जो प्लांट है वो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है शूट डेवलपमेंट का। और नाशपति यानी कि पाइरस कम्युनिस यानी नाशपति जो आप खाने का फ्रूट होता है उसमें भी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। थर्ड इज दीर्घित पुष्पाशन यानी कि इलोंगेटेड थैलेमस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि थैलेमस जो होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है जब, और इस प्रकार का जो कैरेक्टर होता है वो एनोनस स्क्वेमोसा की बात कर रखी है यहाँ पे, एनो स्क्वेमोसा है जिसे आप अनानास का पौधा कहते हैं बच्चों, अनानास इसका एग्जाम्पल है। दूसरा चंपा का पौधा जो फ्लावर है डेकोरेटिव वो, और अड़ूसा फॉलिएटा लॉन्गिफॉलिएटा अड़ूसा का जो पौधा होता है, ये सारे के सारे जो हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है पुष्पों में जो थैलेमस होता है उसका अंडक जो होता है धारण करने वाला क्षेत्र स्तंभ के समान दीर्घित हो जाता है। क्या कह रहे हैं पुष्पाशन यानी थैलेमस का जो वो पोर्शन जहाँ पर ओवरी होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा दीर्घित हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और एक पुंज फल यानी एग्रीगेट फ्रूट की लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम दीर्घित पुष्पाशन कहते हैं, या फिर इलोंगेटेड थैलेमस के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो है जो अगर हम बात करें कि प्रमाण जो है, फर्स्ट था होमोलॉजी ऑफ फ्लोरल बर्ड, सेकेंड जो था प्रमाण वो एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस, एंड थर्ड जो इसका प्रमाण है बच्चों वो है लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेस, यानी कि इनके जो फ्लोरल अपेंडिजेस होते हैं उनका जो पुष्पीय जो उपांग होते हैं लाइक कैलिक्स कोरोला जो एंथर्स होते हैं और स्त्री केसर जिसे स्टैमंस कहते हैं,
सामान्य पत्तियों के समजात यानी कि होमोलोगस होते हैं ये सारे के सारे। और इन उपांगों की सामान्य पत्तियों में समानता किस कारण से होती है, इसके लिए अलग अलग हमने कारण दे रखे थे। फर्स्ट वन इज अरेंजमेंट यानी विन्यास। अगर आप देखें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि जो पुष्प पर जो पुष्पी उपांग होता है यानी कि कैलिक्स और कोरोला का जो ओरिएंटेशन होता है, विन्यास होता है, अथवा जो इनकी जो अरेंजमेंट होता है वह पर्ण विन्यास के समान फाइलोटैक्सी के। एक आप पर्ण विन्यास का डायग्राम देखिए, पास में ही लगा रखा है, और दूसरा हमने पुष्पी उपांगों का विन्यास बता रखा है कि किस प्रकार से जैसे पत्तियों का अरेंजमेंट पाया जाता है स्टेम पर, उसी प्रकार थैलेमस के चारों तरफ जो होता है या थैलेमस पर ये जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट पाया जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह लीफी नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि जो फ्लावर होता है वो लीफी नेचर का होता है। सेकेंड, बाह्य दलों की जो पर्णिल प्रकृति होती है, बच्चों बाह्य दल की पर्णिल प्रकृति में कुछ पौधों में पुष्पों में एक या एक से अधिक बाह्य दल बड़े होकर कायिक पर्ण में मॉडिफाइड हो जाते हैं यानी कायिक पर्ण के समान हो जाते हैं। मुंडे मुसेंडा जो है इरिथ्रोफेला, मुसेंडा इरिथ्रोफेला सर रूबिएसी फैमिली का है बच्चों ये ट्री, ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसमें प्रत्येक पुष्पक्रम में एक या अधिक पुष्प का एक बाह्य दल पत्तियों के समान बड़ा और रंगीन हो जाता है। देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि फ्लावर जो है ना उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा जो होता है बाह्य दल जो होता है जिसे आप कैलिक्स कहते हो वो बड़ा हो जाता है, अलग से दिखाई देने लगता है, बड़ी पत्ती के समान होता है। पियोनिया जो है वो भी, पियोनिया का जो प्लांट है उसमें भी इस प्रकार का हम अरेंजमेंट देख सकते हो। पुष्पीय पर्णों का रूपांतरण यानी कि ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेस, फ्लोरल अपेंडिजेस उनका ट्रांजिशन कैसे हुआ है, तो वाटर लिली का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, निम्फिया का, उसमें बाह्य दलपत्र का दलपत्र में और दलपत्र का पुंकेसर तथा अंडकों में कॉमिक रूपांतरण होता है। क्या कह रहे हैं ये कि जो कैलिक्स होता है वो तो कोरोला में, और कोरोला जो होता है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि अंडकों में मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाइकेशन हो जाता है। और इसी प्रकार गुलाब के उद्यानों में भी उगाई जाने वाली किस्मों में भी पुष्पों में बाहरी चक्रों के पुंकेसर धीरे धीरे दलपत्रों में रूपांतरित होते हुए पाए जाते हैं। और यही कारण है कि जंगली प्रजातियां जो होती है, वाइल्ड स्पीसीज जो होती है, उनमें केवल 5 दलपत्र पाए जाते हैं, जबकि उद्यान में जो हम रोज की या वाटर लिली की जो स्पीसीज लगाते हैं ना बच्चों, उसमें अनेक दलपत्र होते हैं। और इसी प्रकार गुड़हल यानी हिबिस्कस का जो प्लांट है उसमें भी पुंकेसरों का दलपत्रों में रूपांतरण हो जाता है, यानी कि इसके भी एंड्रोशियम जो होते हैं वो जो कोरोला में कैलिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरोला में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। जो कोरोला होते हैं उसको हिंदी में हम दलपत्र कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर एज अ मॉडिफाइड शूट। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जब हम ये स्लाइड प्रेजेंट कर रहे थे तो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया था, जिसकी वजह से हमारी ये जो क्लास है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट पोर्शन लगभग इससे पहले का जो थोड़ा सा पोर्शन था वो फर्स्ट हम जो वीडियो अपलोड किया उसमें, और उसी की कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।